सदगुरु किसमें अनिवार्यता है? कोई अनिवार्यता नहीं है। ये किसने कहा अनिवार्यता है, ये एक हैपनिंग है, अपने आप ही जाना जा रहा है, ये अस्तित्व का ही कार्य व्यापार चल रहा है। देखिए, ये उन गुरुओं की समस्या है जो होर्डिंग लगा के विज्ञापन लगा के काम करते हैं कि आओ मैं तुमको ज्ञान दूंगा, तो लगता है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अस्तित्व की सहज धारा में आप बहेंगे तो आप कहीं जाएंगे, कोई मिलेगा। और मेरा ये सेंटेंस हमेशा याद रखना कि वो केवल तुम्हारा एक्सटेंशन है। जैसे तुम बढ़ोगे तो किसी के प्रेम में होगे, कभी वो भी डिवाइन रोमांस। ऐसा तो है नहीं व्यक्ति दुनिया में आता है तो कभी अचानक किसी को देखता है, कोई अच्छा लगता है। ऐसे ही गुरु है, गुरु की हैपनिंग है। गुरु को जब गुरु होने का एहसास है तो वो बड़ा खतरनाक गुरु है। गुरु वही है जिसको गुरु होने का एहसास नहीं है। शिष्य पैदा होता है, तुरंत गुरु पैदा हो जाता है। इधर शिष्य पैदा हुआ, उधर गुरु पैदा हो गया। तो मेन चीज यही है कि चीजों को अच्छे से हम चलने दें, सहजता में। अनिवार्यता न ये है कि अकेले व्यक्ति चला जाएगा, न अनिवार्यता यह है कि गुरु के साथ में जाएगा। दोनों किसी न किसी पॉइंट पर मिलते हैं और वो ऑलरेडी मिले हुए हैं और किसी खास वक्त पर वो उभर आते हैं। व्यक्ति को ये भी नहीं समझना चाहिए कि हमारी यात्रा इतनी सीमित है या असीमित है। जन्मों जन्मों की यात्रा है, पता नहीं कितने लोग कहाँ कैसे मिले हैं, और कभी कभी ठीक वक्त पर वो लोग फिर इकट्ठे होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर साथ चलते हैं। तो ये एक जर्नी है, कारवां है। सत्य मिलेगा गुरु के माध्यम से अकेले, ये बस इल्यूजन है, क्योंकि वो मिला मिलाया है ना। वो उसके माध्यम से मिलेगा ना अकेले मिलेगा, मिलेगा वो जिसको खोया होगा, वो तो मिला मिलाया है। ये तो एक बस एक लीला है जिसमें लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, लोग आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अब कभी किसी को देखकर तुमको ये ख्याल आ जाएगा कि अरे ये तो अपने पास था। बस गुरु का उतना ही काम है। उस यात्रा में अचानक तुमको वो मिलता है और तुमको अपनी वही भूली बिसरी बात याद आ जाती है। और अकेले का भी अगर बात देखी जाए तो अकेले भी कभी कभी व्यक्ति बैठा है और अचानक उसको कुछ ख्याल कौन गया। लेकिन एक बड़ा भारी मिथ है, क्या कोई अकेला कभी होता है? अकेला तो कभी कोई होता ही नहीं। हमारी ये देखने की सीमा है कि हमको लगता है अकेला। अब यहाँ क्या शिविर में सोचते हो, इतने लोग बैठे हैं जितने दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत धक्का मुक्की चल रही हो, क्योंकि हमारी विजुअल फील्ड में जितना है हमको उतना ही दिख रहा है। अदृश्य जगत में भी बहुत कार्य व्यापार है। सबसे बड़ा मिथ है अकेला होना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है। तो कभी कभी जैसे कोई बैठा है व्यक्ति और अचानक उसको लगता अच्छा ठीक ऐसे चीज है ये, वैज्ञानिक तौर से भी स्पिरिचुअल तौर से भी, तो उसको लगता है अच्छा ये अकेले मेरे अंदर आ गया। लेकिन अकेले नहीं, कोई विचार का बादल, कोई प्रेजेंस, कुछ तैरता हुआ हमारे सामने से गुजरा और अचानक वो ख्याल हमारे अंदर उभर आया। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे समाधान, व्यक्ति बैठा एकदम से उसके अंदर उभर आया, उससे लगा मैंने सोचा, तुमने कुछ नहीं सोचा लेकिन तुम्हारे अंदर से उभर आया। तो अकेला होने का जो भाव है, पहली चीज तो इसको ही तोड़ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकेला है ही नहीं, यहां पर सब एक सामूहिक कलेक्टिविटी में है। और जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता उसकी भी प्रेजेंस है, और वो अपना एक इम्पैक्ट डालता है, चीजें उभर कर सामने आ जाती हैं और उसका अपना काम होने लगता है चीजों का। तो व्यक्ति को लग सकता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, और गुरु का रोल बस यही है कि वो हमारे इस इल्यूजन, इस मिथ को अपनी प्रेजेंस से खत्म कर दे, बाकी कुछ नहीं है।